धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोर जोरी से दादर है शोर वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हम कैशबुक को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैशबुक को करना चाह रहे हैं और इसको स्टार्ट करा दीजिए। आज की वीडियो में फेस टू फेस समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फॉर्मेट के हिसाब से और क्लियरेंस के हिसाब से होगा। बात करते हैं कैशबुक। कैशबुक से पहले मैं आपको बताता हूँ जर्नल। देखो आपको मालूम है कि हमारी अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का अभाव हो और वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के हो, उसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है, तो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कैश का करा तो भी जर्नल में, परचेस करी तो भी जनरल में, सेल्स करी तो भी जनरल में, एक्सपेंस हुआ तो भी जनरल में, उधार हुआ तो भी जनरल में और नगद हुआ तो भी जनरल में। लेकिन जब आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उस केस में हमें इस जनरल के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब जर्नल्स। और कैश बुक उन्हीं सब जनरल का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कैश बुक। मीन्स कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिसमें या तो आपके पास कैश आ रहा हो या आपके पास कैश जा रहा हो। अगर आपके पास पैसा आया नहीं है और पैसा गया नहीं है तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। मतलब सर कैश बुक में हमेशा एंट्री जब करेंगे जब आपके पास से या तो पैसा आया हो या आपके पास से पैसा गया हो। फॉर्मेट कैसा होता है इसका बेटा? फॉर्मेट सिंपल है। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर अमाउंट। अब जो DR साइड होती है हमारे कैश बुक की, जो डेबिट साइड होती है यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाली साइड होती है, वहां पर आती है हमारी रिसीप्ट। यानी कि अगर आपके पास पैसा आया है तो DR साइड में डालेंगे। और जो हमारी CR साइड होती है, उसमें आपके पेमेंट, यानी कि अगर आपके पास से पैसा गया है तो सारे CR साइड में। मत क्यों सर? क्योंकि जो हमारा कैश बुक है, जो हमारा कैश है, वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट गोल्डन रूल्स पर जाओ। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? हमारे तीन गोल्डन रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे वो सारे अकाउंट होते हैं जिन्हें आप पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि यार ये इस पर्सन ने करा है, ये इस आदमी ने करा है, ये इस स्कूल ने करा है, ये इस फर्म ने करा है। वो हमारे सारे कौन से? पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट हमारे सारे वो अकाउंट होते हैं जो हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति, हमारे बाप का माल, हमारी एसेट्स। तो कैश क्या है? कैश हमारी एसेट्स है। ये क्या है? हमारी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी रूल को कैश बुक में फॉलो किया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ ट्रांजेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी कैश बुक होती है वो टाइप वाइज होती है। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक, इसमें डबल में आपका कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश और बैंक भी हो सकता है। तीसरी होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसे हम कहते हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट। क्लियर है? अब मैं आपको एक एक दो दो एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो गुड्स पर पहली बार जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में ही आपको बैलेंस दे रखा होगा किसी भी डेट का कि आपके पास इतना पैसा है। उस पैसे को डेबिट साइड में टू बैलेंस करके डाल दोगे। सिंगल की बात बता रहा हूं, कैश में आप क्या करोगे? आप एंट्री पढ़ोगे और देखोगे पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। पैसा आ रहा है तो टू साइड यानी कि डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, पैसा जा रहा है यानी कि बाई साइड यानी कि CR साइड यानी कि राइट हैंड साइड। दूसरी एंट्री मैंने बोली परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको गुड्स से मतलब नहीं, ये देखो कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। गुड्स परचेज करेंगे, पैसा जाएगा यानी कि जाएगा तो कहां आएगा? बाई साइड में। किस रूप में जा रहा है? परचेज के रूप में जा रहा है, तो बाई परचेज। सैलरी पेड जा रही है, बाई साइड में। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, टू साइड में। गुड्स सेल्स, कैश आएगा जब हम कोई माल बेचेंगे, पैसा आएगा, कहां आएगा? टू साइड में। ये तो सिंगल कॉलम की बात है। डबल कॉलम की बात में आपको यह देखना है कि डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट चल रहा है साथ में या कैश और बैंक चल रहा है। इस केस में क्या करेंगे? किसी पार्टी को से आपके पास पैसा आया, अगर कैश और बैंक की बात बोल रहा हूं,
किसी पार्टी के पास से आपके पास पैसा आया और वो चेक की फॉर्म में आया है तो कहाँ डालेंगे? टू साइड में। कहाँ डालेंगे? टू साइड में। पैसा आया है लेकिन कहाँ, किस कॉलम में डालेंगे? बैंक के कॉलम में। किसी पार्टी को आपने पैसा दिया बाय चेक तो वो बाय साइड में डालेंगे लेकिन अमाउंट कहाँ डालेंगे? बैंक के कॉलम में। लेकिन यहाँ एक चीज आती है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, जब भी आप बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक से पैसा डालेंगे, इन एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इनके एंट्रीज कैसे करते हैं? एंट्री होती है जब भी आप पैसा डालोगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, जब भी पैसा निकालोगे तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप पैसा डालोगे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पैसा डालोगे और डालोगे तो बिजनेस में डालोगे, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो टू साइड में एंट्री कैसे होगी? टू कैश लेकिन अमाउंट जाएगा बैंक में। बाय साइड में कैसे एंट्री होगी? बाय बैंक लेकिन अमाउंट जाएगा कैश में। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, सी से कॉन्ट्रा। इनके लेजर के सामने, बाउचर नंबर के सामने कॉन्ट्रा एंट्री शो होती है। तो ये तो बेटा आज एक तरीके का एक डमी वीडियो था जिसमें मुझे थोड़ा कंसेप्ट समझाना था। आने वाली वीडियो में मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट विद क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस वीडियो को देखने से आपको 1% भी समझ में आया है कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बस इतना समझना है कैशबुक एक जनरल का टाइप है, सब जनरल कहते हैं। कैशबुक में हमारा सारे वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो पैसा या तो जा रहा है या आ रहा है। पैसा आ रहा है तो डीआर साइड में जाएगा, पैसा जा रहा है तो सीआर साइड में जाएगा। डीआर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सीआर यानी कि राइट हैंड साइड। फॉर्मेट क्या होता है? डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। क्लियर है? यानी कि 8 कॉलम होते हैं पूरे हमारे कैशबुक में, ठीक है ना। अगली वीडियो में क्या करूंगा, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा कैशबुक का और एक दो क्वेश्चन उनके सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं जो अब तक मेरे से व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है, रिपीट कर रहा हूं, 9690105047 है। मुझे व्हाट्सएप करना और ज्वाइन